हाँ जी, सत श्री अकाल। बलजिंदर सिंह कैनेडा तो जी, की हाल चाल है तुहाडा सारिआं दा? उम्मीद करदा सब ठीक ठाक हो। तो करोना हजे भी बहुत हम हमा के चल रहा, सो प्लीज़ टेक केयर जरूर करो अपनी। तो जी, बाई ने पूछा जी किसी ने मेज साइलज बारे, सो अज तुहानू दिखाउने आ जी। आ देखो जी, मक्का, मक्की कोई मक कह दिंदा, सो हजे रेडी नहीं हुई है ये मक्की। जिवें देखो तुसीं, हजे छली हुणे पई आ। सो तकरीबन मेरे हिसाब नाल 3 या 4 वीक होर कढ जाणे ने, क्योंकि जदों दुद्धा पऊगा दाणे दे विच, मिल्की कंडीशन च आऊगा, उस टाइम मैनूं वढणगे। सो ये स्वीट कॉर्न, ते देखो तुसीं हाइट, मतलब थोड़ा जिहा जिथे पानी पूनी खड़दा उस थोड़ी हाइट कमजोर भी है इहदी, बट यूजली जे तुसीं देखो तकरीबन 8-8 फुट उच्चा मक्की है। मेरे नाल काफ़ी, मेरा कद 6 फुट आ। सो तू देखो, जे मैं बांह खड़ी करा तां वी नहीं लेट आउंदा। सो तकरीबन 8-9 फुट इहदी हाइट आ। सो बहुत, एक तुसीं चीज़ नोट करो, एक्चुअली इहदी डिस्टेंसिंग देखो प्लांट टू प्लांट। सो तकरीबन फुट फुट दी डिस्टेंस है। देखो तुसीं हुण आस इस तने तो उस तने दे विच तकरीबन 1.5 गिट दा फासला सारिआं दा। सो मतलब मैं भी पुछया सी, ओह कहिंदे कि इहदे नाल मतलब इक तां एयर फ्लो वधिया रहिंदा, विच हवा पैंदी रहिंदी आ, ग्रो बहुत वधिया करदी आ क्रॉप, ते ज़्यादा संघनी पा के जे बीज पा के आपां बीज दीए, सो उहदी फिर जिहड़ी प्रोडक्शन आ, जिहड़ी ईल्ड आ ड्राई मैटर पर हैक्टेयर, उह घट जांदा। सो इत्थे तकरीबन सारे कहिंदे इदां ही बीजदे आ, मतलब रो टू रो तकरीबन फुट दा फासला आ, ते सेम ही आ फुट दा फासले प्लांट टू प्लांट आ। ते बाकी गल आ जी, इत्थे मैं पुछया सी, कहिंदे तकरीबन जिहड़ी प्रोडक्शन आ, जिहड़ी ईल्ड आ, तकरीबन 20 तों 25 टन ड्राई मैटर पर हैक्टेयर दे हिसाब नाल इत्थे मतलब ये वढ लैंदे आ हर साल। सो दूजी गल, बाई ने पुछा सी जिहड़ा खर्चा है, एक्चुअली जे मतलब पर किलोग्राम ड्राई मैटर दे हिसाब नाल लाइए तां तकरीबन 18 तों 25 सेंट, डिपेंड करदा वी जे तुहानूं कोई एक्सट्रा लेबर करनी पई उपर, जे नहीं करनी पई तां तकरीबन 18 तों 25 सेंट, मतलब पैसे 20 तों 25 पैसे इत्थों दे सेंट हो गए पर किलोग्राम ड्राई मैटर दा खर्चा आउंदा। सो ये काफ़ी चीप फूड आ। दूजी गल ये है, किसी बाई ने पूछा सी कि मतलब फायदे की है इहदे। सो सब तो वड्डा एक्चुअली जिहड़ी मेज़ हुंदी, मेज़ दे विच एक्चुअली लो प्रोटीन हुंदा ते हाई कार्बोहाइड्रेट हुंदा इहदे विच। सो हाई कार्ब हुंदे होण दा करके जदों आपां पशु नूं पाउंदे आ, पशु वेट बहुत कुकली पुट करदा अपने ते, मतलब पशु नूं मोटा ताज़ा करना। सो मक्की द बेस्ट आ। दूजी गल, प्रोडक्शन ऑबवियस वधिया हुंदा इहदे नाल, दुद्ध बहुत दिंदी आ। ते एक होर गल आ, जिवें स्पैशली इंडिया विच इह बहुत वधिया चीज़ है, क्योंकि जिवें हुण अपने इंडिया दे विच पट्ठे मुक्क जांदे आ, ऑबवियस कि जदों जवार मुक्क जांदी फिर गैप आ जांदा तकरीबन 1-1.5 महीने दा, कई वारी बरसीन नहीं रेडी हुंदा, कई वारी जमी नहीं रेडी हुंदी, जां कोई होर जिहड़ा वी तरां दा कोई मक्की बीजदा, पट्ठे बीजदा, जां तां कोई पूरे ध्यान नाल प्लानिंग करके बीजे वी, जदों कोई एक मतलब जवार मुक्की तां कुछ होर शुरू हो जाए, उह मुक्किआ तां कुछ होर शुरू हो जाए। सो यूजली मैं देखिआ अपने घरे वी तकरीबन कि 1-1.5 महीना कल्ली तूड़ी दाणा रला दो, सन्नी कर दो। सो जे तुहाडे कोल इह ऑप्शन हैगा, तुहाडे कोल साइलेज हैगा, तां ऑबवियस तुहाडे पशु नूं कदे तूड़ी मतलब कल्ली तूड़ी खाण दी लोड़ नहीं पैणी। सो एक गैप फिल करदा साइलेज दा, कोई भी वैसे तरहां होवे पर मेज साइलेज बेस्ट है एक्चुअली। सो दूजी गल इह ऑबवियस कि इहदी प्रोडक्शन दी कॉस्ट घट आ, तुसीं बीज दो, जिवें इत्थे हुण इत्थे कहिड़ा पानी लाउंदा कोई, देखो तुसीं सारी ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੇਨ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਨੋਅ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੂਗੀ।
ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਇਲਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਜ਼ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਡ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 2.5 ਏਕੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵੈਸੇ ਔਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਮੇਰਾ ਔਫ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।